नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24। इस समय मौजूद पटना जंक्शन के समीप, और देख सकते हैं आप हमारे पीछे एक लोकोमोटिव इंजन लगा हुआ है। और ये लोकोमोटिव इंजन स्टेशन पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सबसे पहला जो नज़र है, सबसे पहला जो ध्यान है वो लोगों का, जब भी वो ट्रेन पकड़ने जाते हैं या फिर बाहर आते हैं स्टेशन के, तो उनका ध्यान इसी पर जाता है। लोकोमोटिव इंजन पहले के ज़माने में चलाई जाती थी, पूरे रेल को खुद के दम पर खींचती थी ये लोकोमोटिव इंजन। और पटना जंक्शन पर हम अभी हैं और इसके बाहर ये इंजन एक प्रतीक होता है इस चीज़ का कि हाँ, आप स्टेशन पर एंटर कर चुके हैं। साथ ही हम आपको इसकी खासियत बताएंगे, ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी इसको मान सकते हैं। मान सकते क्या है, ये ऐतिहासिक धरोहर ही है। नॉर्मली ये इसीलिए लगाया जाता है कि सबसे पहले आकर्षित करता है ये लोगों को, अपनी सुंदरता भी एक इसमें आ जाती है। साथ में आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं विजुअल के माध्यम से कि इस वक्त हम कहाँ पर स्थित है। पटना जंक्शन पर हमें हम हैं जो कि बिहार की राजधानी पटना मानी जाती है, और उसी के जंक्शन पर हम हैं। और आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि लोकोमोटिव इंजन लगी हुई है। आज का पर्पस ये है कि लोकोमोटिव इंजन को दिखाने का, सुंदरता तो हर कोई जानता है कि यहाँ पर ये बहुत पुराना धरोहर है, लेकिन हम आपको पास से दिखाएंगे कि हम आज ये खबर क्यों कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम अभी मौजूद हैं पटना जंक्शन पर, और यहाँ पर जितनी लोकोमोटिव इंजन के पास, आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे, जो गंदगी है वो लगातार आप देख सकते हैं, गंदगी बढ़ती ही जाती है और इस पर ध्यान सरकार का रहता नहीं है। जबकि इस पर ध्यान रहना भी चाहिए क्योंकि सबसे पहले अगर कोई बाहर से आते हैं, बाहर के राज्यों से आते हैं, तो उनका सबसे पहला ध्यान जो जाता है वो इसी धरोहर पर जाता है, इसी लोकोमोटिव इंजन पर जाता है। कारण यह है कि ये ऐसी जगह पर सेंटर पर है, और ये एक स्टेशन पर आने से जो भी यात्री आते हैं वो देखते हैं और समझ पाते हैं कि हाँ, हम स्टेशन पर एंटर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि नशे, जो बिहार में नशा बैन है, उसके बावजूद यहाँ पर नशे किए जाते हैं। आपको हम दिखा भी देंगे कि सामने हो क्या रहा है। आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि ये ऐतिहासिक धरोहर जो है वहाँ पर अभी किया क्या जा रहा है। हम आपको ऊपर चढ़कर भी दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऊपर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। कि ये रास्ता ये लगाया जाता है ग्रिल, ताकि इसके अंदर कोई जा ना सके, ना ही कोई इस पर कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन आप देख सकते हैं इसे तोड़ दिया गया है और इसे रास्ता बना दिया गया है। इसी लोकोमोटिव इंजन के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से चढ़कर, और ये लोगों ने जिस तरीके से तोड़, आप सामने वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से तोड़ दिया गया है इसको, और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। और इसी के अंदर नशे भी होते हैं, सॉल्यूशन वगैरह, और साथ में गांजे इत्यादि भी पिए जाते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं वहाँ से, आप देखिए जूम करके आपको हम दिखा रहे हैं सॉल्यूशन का आदान प्रदान जिस तरीके से हो रहा है, देखिए। और ये नशे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार नशा जो है वो अब हाथों में देख सकते हैं, हाथों में सॉल्यूशन लिया गया है, और उससे अब यहाँ पर पीने का भी कार्यक्रम ये लोग चालू करेंगे थोड़े देर में। वो तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपको साफ तौर पर यही बताना चाहते हैं कि शराब बैन है, नशे बैन है, उसके बावजूद यहाँ पर नशे पूरी तरह से किए जाते हैं। जो सॉल्यूशन है भी सब तरीके आपकी, अभी हमने आपको लाइव वीडियो में दिखाया कि कैसे यहाँ पर नशे को अंजाम दिया जाता है, यहीं पर बैठकर किया भी जाता है। आप सामने हमारा, आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, हमारे पीछे भी पूरी तरह से बर्बाद स्थिति बनी हुई है। एक तरह से पटना जंक्शन की स्थिति तो आप हाथ में देखिए, जूम जूम करिए, आपको हम दिखाएंगे माध्यम से अपने कैमरे के, जूम करके दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर नशे जो है वो किए जाते हैं। आप जूम करके देख सकते हैं, साफ तौर पे हम आप देख सकते हैं, और सामने हम आपको दिखाते भी और बात भी करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? दानापुर से। दानापुर से। अच्छा, आप यहाँ पर जब से आती होंगी आपको ये लोकोमोटिव इंजन दिखता होगा, एक सुंदरता का भी प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ पर नशे आप देख सकती हैं पूरी तरह से हो रहा है, वो नशा जो कि बैन है बिहार में, तो कैसा लगता है देखकर? बहुत खराब लगता है, क्या कर सकते हैं, मान भी तो नहीं, मानते भी नहीं नए लोग, मानेंगे भी नहीं। हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। बाबा, अब नशा आप कब से यहाँ पे हैं? हम से नशा से ना पीते, हम उसका काम नहीं करते हैं। नहीं करते नहीं है, तो ये सब पीता है तो कोई रोकने वाला नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता ये सबको? इसे क्या देखा है, पुलिस पुलिस से उखड़े सके आती है, पुलिस से पीता है सर, उखड़े पक्ष में रहा है, उखड़े पक्ष में रहा है, कथी नाम ले उसका।
और भी हम आपसे लोगों से बात करवाएंगे। आप यहाँ पर कुछ काम करते हैं कि रहते हैं? नहीं, वैसे घूमने आए हैं। अच्छा, आप यहाँ पटना जंक्शन पर जब भी आते होंगे आपको ये लोकोमोटिव इंजन दिखता होगा, बहुत पहले से है। अभी ये नशे का अड्डा बन चुका है, आप देख सकते हो सॉल्यूशन। अभी एक बार और जूम करिए, हम आपको फिर से एक बार दिखाते हैं जूम करके जिस तरीके से लगातार यहाँ पर नशा किया जाता है। और हाँ, चलिए बात करते हैं, ज़्यादा वो दिखाएंगे नहीं। और आपको कैसा लगता है जब इस तरीके का नशा जो है लगातार होता रहता है? ये बिहार के मुख्यमंत्री की कमजोरी की वजह से जो है नशा यहाँ जो है वितरण होता है ज़्यादातर, और यहाँ के जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ढीला है। ढीला इसी वजह से जो है यहाँ नशा जो है ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, और जो है यहाँ माफिया सब मिल के जो ये इनका धंधा करता है। अच्छा, कोई रोकने नहीं आता, जैसे कि रेलवे के तरफ से भी कोई रोक टोक होना चाहिए? साथ में मुख्यमंत्री जी जो है लगातार आते रहते हैं, और इस रास्ते पे तो रेगुलर बहुत सारे मंत्री गुजरते रहते हैं, तो उनका नज़र इस पर नहीं पड़ता? आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे से ले, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रास्ता तोड़ दिया गया है, जो लगा हुआ था ये तोड़ कर अंदर जाने का रास्ता बनाया गया है, और यहाँ पर भी बहुत सारी जो है नुकसान पहुँचाई गई इस धरोहर को। ऊपर से लेके नीचे तक जो है जितना भी सब मिली जुली है, इसी लेके जो है इस पर दिखाई नहीं दिया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। स्थानीय पुलिस और अधिकतर स्थानीय पुलिस जो है ये सब धंधा करवाता है, सब मिल के मर्डर हत्या और जितना भी होता है स्थानीय पुलिस के द्वारा होता है। तो आज की जो खबर थी वो किसी भी हम आपको दिखाना चाहते थे साफ तौर पर कि जो ऐतिहासिक धरोहर है पटना की, उस ऐतिहासिक धरोहर में आखिर होता क्या है। इस लोकोमोटिव इंजन का जो पर्पस है उस पर्पस से ध्यान हटकर ये एक नशे का अड्डा बन चुका है जहां पर लोग नशे ही करने आते हैं, और इस पर किसी भी सामने ही प्रशासन का ऑफिस भी है, लेकिन प्रशासन कोई मतलब नहीं है इससे। साथ में मुख्यमंत्री जो बिहार में शराब बैन है, नशे बैन है, उस पर भी थोड़ी सी बातें करते हैं। नशा बैन है तो ये नशा बैन है? ये नहीं, ये खुली वैसे मिल रहे हैं पूरा बिहार में, ये बैन कहाँ है, कहीं भी बैन है। यहाँ स्थानीय पुलिस के द्वारा सहयोग से बेचा जाता है खुलेआम। हम यहाँ पर चाहते और अंदर से दिल से हम चाहते भी हैं कि इस लोकोमोटिव इंजन के बारे में अगर हम आपको न्यूज़ दिखाएं तो वो एक अच्छी न्यूज़ दिखाएं, क्योंकि ये बहुत पुरानी ऐतिहासिक धरोहर भी है, लेकिन ना चाहते हुए हमें वो निगेटिव पॉइंट्स दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि निगेटिव पॉइंट्स से ही ये पूरा भर चुका है। बाकी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आप अगर देखना चाहें यहाँ क्या क्या होता है तो आप आकर भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं नंदन, कैमरामैन पिंटू के साथ, धन्यवाद।